नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सव्यसाची सक्सेना, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ईयर डिस्चार्ज या कान बहना। कान बहने का मतलब होता है कान से पानी आना या कान से मवाद आना। अगेन, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत कॉमनली लोगों को मिलता है, बारिश का सीज़न आता है, कान में खुजली होनी शुरू हो जाती है, कान में दर्द होना शुरू हो जाता है और कान में मवाद भी आता है। कभी कभी इसमें ब्लड भी आ जाता है जो लोगों को परेशान करता है, और कान में कभी कभी इतना भयंकर दर्द होता है कि आपसे सहा भी नहीं जाता है। क्या कारण होते हैं इसके, एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं फिर बताना चाहूँगा कान के तीन पार्ट, अगेन एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर पे बात करते हैं, वो हिस्सा जो हमारे ये बाहर के पिन्ना से लेके अंदर पर्दे तक होता है। इसमें कॉमन कारण हो सकते हैं, सबसे पहला होता है वैक्स बन जाना या मैल बन जाना। अगर उसमें किसी तरह से पानी चला गया है, वो मैल कड़ा हो जाता है, कभी कभी वो मुलायम होकर बहना शुरू हो जाता है। पहला कारण यही होगा। इसके अलावा कान में फंगस लग जाना या फफूंदी लग जाना, कान में पानी गया है, बारिश के मौसम में बहुत कॉमन है, कान में पानी गया, वो अंदर सड़ने लग गया, निकल नहीं पाया, सूख नहीं पाया, आपने ऊपर से ईयरफोन पहन लिया, ईयरफोन में और गंदा है, वो आपने लगा लिया, इन्फेक्शन सड़ने लग गया और वो अंदर से अंदर सड़ के मवाद आना शुरू हो गया। खूब खुजली होती है कान के अंदर, आप खुजला लेते हैं, खुजलाने से इन्फेक्शन बढ़ जाता है, कान के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। इसको कभी कभी स्विमर्स ईयर भी बोलते हैं। और क्या रीज़न हो सकते हैं? एक्सटर्नल के बाद आते हैं मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में जो आता है, जिससे कि पर्दे में छेद हो जाना, सबसे पहला कारण होता है पर्दे में छेद हो जाना। अब पर्दे में छेद कैसे हो सकता है, पहले तो इसको समझ लें। पर्दे में छेद दो ही कारणों से होते हैं। एक तो ये हो सकता है कि बाहर से कोई चोट लग गई, किसी ने जोर से मार दिया और पर्दा उस प्रेशर से एकदम से वाइब्रेट हुआ और फट गया, एक ये कारण होता है। आपने ध्यान नहीं दिया, थोड़े दिन बाद उसमें पानी चला गया, आपने तेल डाल दिया, कुछ दवा डाल दी उसके अंदर, वो थोड़े दिन बाद वो बहना शुरू हो गया। शुरू में अगर इलाज कर लिया तो ठीक है, नहीं इलाज करेंगे तो वो परमानेंटली बहता ही रह जाता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण होता है कि नाक से कान में इन्फेक्शन चला जाए। आप बड़े हैरान होंगे कि भाई नाक से कैसे कान में इन्फेक्शन जा सकता है। तो इसकी रीज़न ये होती है कि हमारे नाक और कान को जोड़ने वाली एक ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। इसके थ्रू नाक से कान में नॉर्मली हवा जाती है, बट अगर नाक में कोई इन्फेक्शन होता है तो वो भी यहाँ से चढ़ के कान के अंदर जा सकता है। आपने महसूस किया होगा अक्सर कि जब आपको जुखाम हो जाता है, आपके कान बंद हो जाते हैं, आपको सुनाई देना थोड़े दिन के लिए बंद हो जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि नाक का इन्फेक्शन यहाँ से जाकर कान के अंदर चला जाता है, बट अगर वहाँ पर्दे में छेद नहीं है तो वो कान को थोड़ी देर के लिए बंद कर देगा, बट धीरे धीरे जैसे जुखाम ठीक होता है, इन्फेक्शन वापस डिसेंड करके आपके नाक से निकल जाता है, कान खुल जाता है। बट उन केसेस में जहाँ ये बार बार होता रहता है और इतना बढ़ जाता है कि प्रेशर पड़ने के बाद पर्दा फट जाता है, तो जैसे ही इन्फेक्शन नाक में होगा तुरंत कान बहना शुरू हो जाएगा उसके अंदर। किन केसेस में ज़्यादा हो सकता है? छोटे बच्चे। छोटे बच्चों में क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि छोटे बच्चों की गर्दन छोटी होती है, छोटे नाक, छोटा कान, सब कुछ आसपास होता है। जो यूस्टेचियन ट्यूब थोड़ी सी ऑब्लीक होती है लोगों की, उन बच्चों के केस में वो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि नाक और कान एक ही लेवल पे होते हैं, तो नाक का इन्फेक्शन बड़ी कॉमनली चढ़ के कान में चला जाता है। इसीलिए आप देखिएगा, जब सर्दी जुकाम होता है तो बच्चों को अक्सर कान में दर्द होना शुरू हो जाता है। बारिश के मौसम में, सर्दियों के मौसम में, अगेन ये बहुत कॉमनली होता है, छोटे बच्चों में खासकर होता है। और आप खुद भी नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, एज बढ़ती जाती है, उनकी हाइट और वेट बढ़ता है, तो ये प्रॉब्लम बच्चों में कम होनी शुरू हो जाती है। बट अगर यहीं पर आप प्रॉब्लम को इग्नोर कर देते हैं और बच्चे का कान बहुत दर्द हो जाता है, तो अचानक से एक दिन क्या होगा, उसमें से कान में से मवाद निकलना शुरू होता है। घर वाले सोचते हैं कि कान में फुंसी थी, मवाद निकल गया, ठीक हो गया, बट यही मिस्टेक है। अगर जुखाम की वजह से कान में मवाद आ रहा है तो बहुत कॉमन रीज़न है कि पर्दा फट गया होगा और उसके बाद डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इनिशियली फ्यू डेज़ में आप इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे तो ये भर जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इग्नोर कर दिया और फिर से कान में पानी गया या फिर से जुखाम हो गया, वो बार बार बहता रहेगा और फिर ये पर्दा ठीक होने नहीं आ जाता है। फिर आपको अल्टीमेटली जाके आगे सर्जरी करानी ही पड़ती है। इसके अलावा कुछ कारण हो सकते हैं, ना आपको चोट लगी है, ना आपके नाक से जुखाम हुआ है, फिर भी आपका कान बहता है, वो होते हैं कुछ स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर। उसमें ऐसा होता है कि आपके मिडिल ईयर में कुछ इस तरह के सेल्स होते हैं जो मतलब बर्थ के साथ ही कुछ डिफेक्टिव होते हैं और वो कुछ ना कुछ आगे जाके डिजीज़ बनाते ही बनाते हैं, जिसको पोलिस्टिटोमा बोलते हैं या हड्डी गलाने वाली बीमारी पड़ते हैं।
उसमें आपका कोई बहुत दोष नहीं होता है, वो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है कान का, होना है तो हो ही जाता है लोगों को। एक डिफेक्ट जो पाया जाता है वो उन जनरली उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनको बचपन में जुकाम ज़्यादा रहा होता है, या ज़्यादा स्विमिंग जो लोग करते हैं जिनमें इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है उनमें ज़्यादा मिलता है। वो धीरे धीरे डेवलप होता है, हड्डी को गुलाने लगता है, बहुत स्लोली ग्रो करता है, बहुत स्लोली होता है, सुनने का लॉस उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बस ऐसा होगा कि खुजली होगी कान के अंदर, आप जब मवाद को साफ करेंगे वो एकदम बदबूदार ऐसा लगेगा जैसे सड़ी हुई मछली की स्मेल है वो आपको पता चलेगी, लेकिन धीरे धीरे अंदर से वो हड्डी गिरा सकते हैं। ये बीमारी बल्कि पर्दा फटने की बीमारी से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस तरह की बीमारी आपकी हड्डी गला सकती है। ये क्या और कान में हड्डी गलने का क्या मतलब होता है? कान इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बेस उसके इसके आसपास बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसके जस्ट ऊपर ब्रेन होता है, इसके पीछे ब्रेन को सप्लाई करने वाली नर्व होती है, कान के अंदर वाले हिस्से में सुनने और बैलेंस के ऑर्गन्स होते हैं, आई भी बहुत दूर नहीं होती है, नीचे हार्ट से निकलने वाली नसें होती हैं। जिस भी तरफ की हड्डी गलेगी ये इन्फेक्शन वहाँ फैल जाएगा और अगल बगल के स्ट्रक्चर को डैमेज करके सीवियर कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस कर सकता है, यहाँ तक कि दिमागी बुखार, मेनिनजाइटिस या दिमाग में फोड़ा हो जाना जिसको ब्रेन एब्सेस बोलते हैं, वो तक के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए कान के डिस्चार्ज को इग्नोर तो आप नहीं कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कैसे करेंगे? डायग्नोसिस कैसे बनेगी? अगर कान में आपके दर्द होना शुरू हुआ है, कान में मवाद आ रहा है, इमीडिएटली आप नियर बाई ENT सर्जन को जाकर दिखाइए। पुराने नुस्खे कान में तेल डाल देना, कान में लहसुन डाल देना, आई विल स्ट्रांगली नॉट रिकमेंड, बिकॉज इन केसेस में ये उल्टा आपको नुकसान कर देंगे। आप नियर बाई डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपके कान को देख के बताएंगे, अगर उसमें कान में फुंसी है तो उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आपको दवाइयाँ चली जाएंगी, एंटीबायोटिक, पेन किलर दिए जाते हैं और ईयर ड्रॉप्स भी दी जाती हैं। अगर लगता है कि इन्फेक्शन नाक से पहुंच के कान में जा रहा है तो नाक का ट्रीटमेंट भी साथ में किया जाएगा। कभी कभी नाक में पॉलिप होते हैं, साइनोसाइटिस होती है, नाक के पीछे मांस बढ़ जाता है जिसकी वजह से कान में इन्फेक्शन परसिस्टेंटली बना ही रहता है नाक की वजह से, तो उस केस में नाक का भी ट्रीटमेंट या सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, अदरवाइज नहीं तो नाक का लंबा ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ता है उन केसेस में। नेक्स्ट आते हैं कान की ड्रॉप्स। कान की ड्रॉप्स सिर्फ उन्हीं केसेस में दी जाती है जब कान डिस्चार्ज कर रहा होता है। कान अगर सूखा है और कान में दर्द है लेकिन अगर अपने डॉक्टर को नहीं दिखाया तो मैं अगेन रिकमेंड नहीं करूंगा कि कान की ड्रॉप अपने आप से ना डालें। कभी कभी पर्दा बिल्कुल फटने वाला होता है और आपने ड्रॉप डाल दी तो पर्दा और डैमेज होने के चांसेस उसमें रहते हैं। आपने ट्रीटमेंट कर लिया, इसमें भी मैं यही बोलूंगा कि शुरुआती दौर में ट्रीटमेंट करना आसान है, बिकॉज इनिशियली 30 डेज 45 डेज में अगर पेशेंट आ जाता है तो ट्रीटमेंट करके कान को सिखाया जाता है और कान के पर्दे भरने की संभावनाएं काफ़ी हद तक होती हैं। बट अगर यही चीज़ बियॉन्ड 45 डेज या 60 डेज या उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये क्रॉनिक बन जाती है, इसको बोलते हैं क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। उन केसेस में पर्दे को भरने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, तब हमें फिर और ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं, जिनमें कि आता है सर्जरी, कान का पर्दा लगाया जाना। बहुत लंबे टाइम तक अगर कान बहता रहा है आपको तो कान की हड्डियां गलने लग जाती हैं, आपको सुनने की दिक्कत शुरू हो जाती है, तो उस केसेस में आपको पर्दा लगाने के साथ साथ हड्डियां बनाने का भी काम करना पड़ता है जिसको बोलते हैं ऑसिक्युलोप्लास्टी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था आपको कोलिस्टोटोमा या जो अनसेफ ईयर होता है जिसमें कि आपकी हड्डी गल रही होती है, उसमें फिर आपकी ये कान के पीछे वाली हड्डी जो होती है इसको भी खोल के पूरा साफ़ किया जाता है जिससे कि इन्फेक्शन निकल के बाहर आ जाए और ये अगल बगल किसी भी नियर बाय ब्रेन या किसी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर को डैमेज ना कर सके। इसमें फॉलोअप भी रहता है, अगर पर्दा लगाने का है या हड्डी लगाने का है तो आपको 1-1.5 महीने डॉक्टर को पीछे फॉलोअप करना पड़ सकता है। आप बीच बीच में डॉक्टर चेक करते रहेंगे, कुछ सफाई करते रहेंगे, और अगर ये हड्डी गलने वाला ऑपरेशन है तब तो आपको बीच बीच में हर 6-6 महीने पर जाकर डॉक्टर से बीच में सफाई भी करानी रहती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, ईयर डिस्चार्ज बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत फ्रीक्वेंटली मिलती है, अगल बगल पूछिए खूब लोगों को हो रही होती है, बट इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें बिकॉज इसका स्पेक्ट्रम इतना वाइड है कि ये छोटी बीमारी से लेके बिल्कुल नासूर तक जो मैं आपको समझा चुका हो सकती है। तो द अर्लियर द बेटर रहेगा, जितना जल्दी आप इसको इलाज करा लेंगे, जितना जल्दी आप दिखा लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ताकि आप आगे फ्यूचर में होने वाले कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकें। थैंक यू। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।